और अब आगे आपको दिखाते हैं 5 मिनट में गांव शहर की 50 बड़ी खबरें। बहराइच की घटना पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और सचिव गृह संजीव गुप्ता बैठक में शामिल हुए। बहराइच हिंसा के आरोपों के घरों में प्रशासन ने चस्पा किया। अवैध निर्माण का नोटिस, 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवारों को प्रशासन के घरों के कागजात दिखाने के लिए कहा है। बहराइच हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व की बात करने वाले और आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी का बहराइच हिंसा पर बहुत बड़ा बयान, कहा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बंदूक व्यवस्था की गलत प्रथा शुरू कर दी है। बाबा सिद्ध की मौत केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने ठाणे और रायगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाबा सिद्ध की केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की 2 टीमें पहुंची कैथल, आरोपी जुशान अख्तर और गुरमेल के दोस्तों से पूछताछ। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपी विकी गुप्ता की जमानत याचिका रद्द हुई है, सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में सिपाही श्याम सोनवणे निलंबित हुए हैं, बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात था पुलिस सिपाही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, पुंछ पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश, पाकिस्तानी आतंकी संगठन बना रहे हमले का प्लान, घुसपैठ की फिराक में कई पाकिस्तानी आतंकी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, दिल्ली के कई इलाकों में 300 से 400 के बीच दर्ज हुआ AQI, 10 स्टेशन में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली की यमुना नदी में दिखाई दिए जहरीले झाग, यमुना में झाग की वीडियो वायरल। दिल्ली में कई जगह पानी का छिड़काव किया गया है, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, कृषि विभाग ने पराली जलाने पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, 2 साल तक मंडियों में अनाज नहीं बेच पाएगा आरोपी किसान। हरियाणा के कई जिलों में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें, अंबाला में भी कृषि विभाग ने पराली जलाने पर 33 किसानों के चालान किए। हरियाणा सरकार के फैसले पर सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर हमला, कहा हरियाणा का किसान जागरूक नहीं जलाएगा पराली। हरियाणा सरकार के आदेश को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले सरकार किसानों को देश समाधान, खरीदे पराली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे तक बैठक चली है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में एनडीए के 20 सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 151 सीट पर लड़ सकती है चुनाव, शिंदे गुट को 84 और एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 20 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महाराष्ट्र के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा, सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट पर दोनों पार्टियां आमने सामने। विपक्षी दलों पर महाराष्ट्र के सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे का बड़ा हमला, कहा लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खूब अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन अब ये पैंतरा नहीं चलेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों का ऐलान हो चुका है, जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक्टिव मेंबरशिप कैंपेन की शुरुआत, सीएम योगी ने पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बनकर अभियान की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, आश्रम 5 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे बड़ी बैठक। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने जैन मंदिर में की पूजा, दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल दी थी जमानत। आज फिर विमान में बम होने की धमकी मिली है, इंडिगो के 5 विमानों में बम होने की धमकी मिली, सोमवार से अब तक 70 विमानों को धमकी दी जा चुकी है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर लंदन दौड़े पर सीएम भजनलाल, सीएम भजनलाल ने राइजिंग राजस्थान के लंदन में निवेशकों से मुलाकात की है। ईडी ने बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के फरक्का एनटीपीसी में 110 मीटर की ऊंचाई पर चिमनी में फंसे कर्मचारियों का किया गया रेस्क्यू, लिफ्ट खराब होने की वजह से फंस गए थे 3 कर्मी। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 कांवरियों को रौंदा, हादसे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी की। बिहार के मोतिहारी में एक सरकारी स्कूल में शराब के उदाहरण देकर समझाया गया मुहावरे का अर्थ, सामने आई ब्लैक बोर्ड पर लिखे उदाहरण की तस्वीरें।
कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम, छठे दिन अद्भुत और अलौकिक रहा नजारा। भगवान रघुनाथ जी के साथ देवी देवताओं का भव्य देव मिलन हुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पागल कुत्ते का आतंक, बच्चों समेत 20 लोगों को काटा, सभी घायलों को लगाए गए रेबीज के इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश के बलिया में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अचानक एक किसान की मौत हो गई, कार्डियक अरेस्ट बताए गए मौत की वजह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा गुलदार का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है, वन विभाग ने पिछले 2 दिन में पकड़े 2 गुलदार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तर प्रदेश के संभल में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लग गई आग, घर तबाह हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत, सिलेंडर फटने से मकान ढहा, मलबे में दबने से दादा दादी और पोते की मौत। उत्तर प्रदेश नोएडा में एक स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ की खबर, परिजनों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गैंगरेप का आरोपी, आरोपी शमशाद पर महिला का गैंगरेप करने के बाद गोली मारने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मऊ में अखिलेश यादव के करीबी एसपी सांसद राजीव राय पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, सांसद राजीव राय पर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। अररिया में 2 लड़कों के बीच हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जन्मदिन की पार्टी के दौरान विनोद नाम के शख्स ने की फायरिंग, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय में घर में घुसकर बदमाशों ने की पूरी परिवार की पिटाई, 6 लोग घायल, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप। बदायूं में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी ने बच्ची से ईंटों से कुचलकर उसे मार डाला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स जब्त किए गए। घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत में हरिद्वार का एक परिवार, सामने आए फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंदा, एक बच्चे को रौंद दिया, हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। बिहार के जहानाबाद में पार्षद के पति की दबंगई, सामने आई है सफाई सुपरवाइजर के साथ की मारपीट, मारपीट का वीडियो आया सामने।